सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं बहुत सारे आईफोन यूजर्स को iOS 15 अपडेट ट्रक ऑन द एस्टिमेटिंग टाइम रिमेनिंग एंड ऑल्सो अपडेट रिक्वेस्ट ऑन योर आईफोन एंड आईपैड। बहुत सारे आईफोन यूजर्स या तो आईपैड यूजर्स को अपना आईफोन स्ट्रक एस्टिमेटिंग टाइम रिमेनिंग एंड ऑल्सो अपडेट रिक्वेस्ट के टाइम होता है। आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं कि iOS 15 अपडेट स्ट्रक ऑन द एस्टिमेटिंग टाइम रिमेनिंग एंड ऑल्सो अपडेट रिक्वेस्ट। इस प्रॉब्लम को अपने आईफोन या तो आईपैड यूजर्स कैसे फिक्स करें, सो गाइस उसके लिए सिंपली आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। फर्स्ट सॉल्यूशंस की बात करें तो अपने आईफोन में वन टाइम एरोप्लेन मोड को टर्न ऑन एंड ऑफ कर लेना है। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स ओपन करके आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है एरोप्लेन मोड का। आईफोन में एरोप्लेन मोड टर्न ऑफ हो तो सिंपली आपको टर्न ऑन करके आपको थोड़े टाइम तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपको सिंपली अगेन एरोप्लेन मोड को टर्न ऑफ करके आप अपने आईफोन में ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशंस के बारे में। सेकंड सॉल्यूशन ऐसा है कि अपने आईफोन में रिस्टार्ट कर लेना है। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स ओपन करके आपको जनरल में जाना है। जनरल में आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है शटडाउन का। उसमें आप देख सकते हो कि स्लाइड टू पावर ऑफ करके आपको थोड़े टाइम तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपको सिंपली अपने आईफोन को टर्न ऑन करके आप इजीली अपने आईफोन में ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। बहुत सारे आईफोन यूजर्स अपने आईफोन में ऑटोमेटिक अपडेट्स को टर्न ऑन कर रखते हैं, उसको सिंपली टर्न ऑफ करना है। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स ओपन करके जनरल में जाना है। जनरल में आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का। उसमें फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक अपडेट्स, उसमें आप दो सेटिंग्स को टर्न ऑफ अपने आईफोन या तो आईपैड में कर लेना है। सो गाइस, अब बात करते हैं फोर्थ सॉल्यूशंस के बारे में। फोर्थ सॉल्यूशन ऐसा है कि अपने आईफोन या तो आईपैड में पासकोड को टर्न ऑफ कर लेना है। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको स्क्रू डाउन करके आपको टच आईडी एंड पासकोड में जाना है। आपका अपना आईफोन का पासकोड एंटर करके आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आईफोन अनलॉक टर्न ऑन, उसको आपको सिंपली टर्न ऑफ करके अपने आईफोन में पासकोड को टर्न ऑफ कर सकते हो। टिप सॉल्यूशंस की बात करें तो अपने आईफोन में डिसेबल वीपीएन कर लेना है। उसके लिए सिंपली आपको स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले सेटिंग्स ओपन कर लीजिए, उसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको जनरल में जाना है। जनरल में आपको ऑप्शन दिख जाएगा वीपीएन का। वीपीएन में आपको कोई भी वीपीएन कनेक्ट हो तो सिंपली आपको डिसकनेक्ट करके आप अपने आईफोन या तो आईपैड में वीपीएन को डिसेबल कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं सिक्स सॉल्यूशन, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स ऑन योर आईफोन एंड आईपैड। उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स ओपन करके आपको जनरल में जाना है। जनरल में आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिल जाता है रीसेट का। उसमें आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। अपने आईफोन या तो आईपैड का पासकोड एंटर करके आपको सिंपली रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर लेना है। सो गाइस, सॉल्यूशन सेवन की बात करें तो अपने आईफोन में फोर्स रिस्टार्ट करके अपने आईफोन को ये स्ट्रक प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो इजीली। सो गाइस, अब बात करते हैं लास्ट सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट सॉल्यूशन ऐसा है कि अपने आईफोन में रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स के बाद अपने आईफोन को रीसेट ऑल सेटिंग्स भी कर लीजिए। उसके लिए सिंपली आपको स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको सिंपली जनरल में जाके आपको रीसेट का ऑप्शन चूज कर लेना है। उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रीसेट ऑल सेटिंग्स। अपना आईफोन का पासकोड एंटर करके आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स अपने आईफोन या तो आईपैड में कर लेना है। तो गाइस, ये सब सॉल्यूशंस को अपने आईफोन या तो आईपैड में अप्लाई करके आप इजीली स्ट्रक प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना ताकि पता चले ये स्ट्रकिंग इश्यू अपने आईफोन या तो आईपैड में कैसे फिक्स करें। थैंक यू सो मच।